सच्चाई ये है कि अगर सरकार चाहे तो बदमाश को पकड़ सकती है, पकड़ सकते हमारे भाई श्याम सुंदर बंसल के हत्यारों को। एक बदमाश था झब्बल, जीन में भी पर मारता है वो, कई जगह जीन में भी पर मारा करता है। यूनियन का प्रधान बन गया, किठाना का रहने वाला है मेरे ख्याल से, बोला मैं यहां प्रधान बनूंगा यूनियन का, और सबको बोल दिया, सारे मंडी की आड़त की दुकानों को बोल दिया 25-25 हजार लालाजी लेके जमा करवा जाओ। भाई साहब और ने सबने बुलवाया, मैं वहां गया और एक बात कही, जब्बल या तो तू नहीं या रणदीप नहीं, एक होगा तू आके रखते टांग बांधूंगा। अगर सरकार चाहे, अगर सरकार अपनी पे आ जाए ना सही साहब मास्टर जी, अगर सरकार अपनी पे आ जाए तो 72 घंटे में बदमाश को पकड़ सकती है, इससे ज्यादा नहीं लगता मान साहब। सरकार अपनी पे आ जाए तो है, और अगर सरकार गुंडों को संरक्षण दे रही हो तो फिर बदमाश नहीं पकड़े जाते। 5-7-10 दिन की देरी हो सकती है अगर कोई दूर भाग गया तो, पर अगर सरकार चाहे तो बदमाश पर नहीं मार सकता। सब पुलिस वालों को पता होता है कौन गुंडा कहां है, किसकी तार कहां जुड़ी हुई है। हमने भी 10 साल सरकार चलाई, हमारे प्रधान बैठे हैं कैथल से नगर पालिका के, रामनिवास मित्तल जी। सरकार बदल गई, एक बदमाश था झब्बल, जीन में भी पर मारता है वो, कई जगह जीन में भी पर मारा करता है। यूनियन का प्रधान बन गया, किठाना का रहने वाला है मेरे ख्याल से, बोला मैं यहां प्रधान बनूंगा यूनियन का, और सबको बोल दिया, सारे मंडी की आड़त की दुकानों को बोल दिया 25-25 हजार लालाजी लेके जमा करवा जाओ। भाई साहब और ने सबने बुलवाया, मैं वहां गया और एक बात कही, जब्बल या तो तू नहीं या रणदीप नहीं, एक होगा तू आके रखते टांग बांधूंगा। सरकार नहीं है परंतु माने नहीं देंगे गुंडे को, ना यूनियन का प्रधान बनने देंगे। वो दिन है और आज का दिन है भाई साहब, रोड़ा साहब वापस नहीं आया, वो उसकी हिम्मत नहीं हुई कि मंडी में आके यूनियन का प्रधान बन जाए, ये बैठे। सच्चाई ये है कि अगर सरकार चाहे तो बदमाश को पकड़ सकती है, 72 घंटे में ना पकड़े 5 दिन लग जाएं, 5 से 6 दिन हो सकते हैं, बदमाश भाग नहीं सकते। अगर रणदीप जोहान्सबर्ग से 6000 किलोमीटर से गुंडे ले आ सकता है तो ये क्यों नहीं पकड़ सकते हमारे भाई श्याम सुंदर बंसल के हत्यारों को और उन सबको? कारण बताऊं क्या? बाकी लोग तो मलिक साहब कई कतरा जाते हैं, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं ना डर लगता। इसी मंडी के अंदर यहां इस स्टेज के पास गुंडों का व्यापार चलता है, क्या ये सच नहीं बाबूजी? आप बता दो, श्याम बिहारी जी के यहां से जकीरा पकड़ा गया था, प्रधान जी आप तो वकीलों के प्रधान हैं, इसी मंडी में इसी यहां एक दुकान से हथियारों का जकीरा पकड़ा गया था, क्यों नाडा साहब? सारे के सारे लपेट दिए, खत्म। 3 कट्टे पकड़े गए, कोई किसी के उप किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, क्यों? क्योंकि सरकार में बैठे एक बहुत बड़े सफेद पोश के घर में ये लोग रहते हैं, मैं इल्जाम लगाता हूं, जिसका इस जिले से भी संबंध है। सरकार में बैठे एक बहुत बड़े सफेद पोश के घर जो ये बदमाश और गुंडे हैं उनका सीधा जुड़ाव है, और उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी यही है। इस वजह से बदमाशों को पकड़ा नहीं जाता, इस वजह से उनकी ये हिम्मत है। संगठित गिरोह और अपराध कट्टर सरकार की नाक के नीचे वो खुद चलवा रहे हैं, गुंडागर्दी वो खुद करवा रहे हैं, अपराधियों का संरक्षण वो खुद दे रहे हैं, अपराधियों की दुकानें वो खुद चलवा रहे हैं, व्यापारियों से फिरौतियां वो खुद मंगवा रहे हैं। क्या कोई हिस्सेदारी है? क्या कोई हिस्सा ले रहे हैं? मुझे नहीं पता, पर एक बात साफ है कि अगर मंडी के पास दुकानों से संगठित गिरोहों का गुंडों का व्यापार चलेगा
तो फिर जीन शेयर नहीं चल पाएगा। इसलिए मेरे साथियों भाइयों, आपका ये भाई, आपका ये बेटा आपको केवल एक बात कहने आया है, आइए मिलकर 36 बिरादरी के लोग, गांव के लोग, शहर के लोग, वार्ड के लोग, गरीब, बैकवर्ड, अमीर, दुकानदार, सारे इकट्ठे हो जाइए। जिस दिन हम सब इकट्ठे होकर आंदोलन करेंगे, उस दिन सरकार की हिम्मत नहीं, उनको आपकी ड्योढ़ी पे झुकाकर दिखाएंगे।